1913 में जब हिंदी सिनेमा का आगाज़ हुआ उसमें पहली रिलीज होने वाली खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कदीम हिंदू दास्तानों के एक बादशाह के बारे में राजा हरिश्चंद्र के बारे में थी। ये खामोश फिल्म 21 अप्रैल 1913 को मखसूस तबके के लिए रिलीज़ हुई, जबकि 3 मई 1913 को इसे आवाम के लिए रिलीज़ कर दिया गया। ये दंदरियाज गोद पालके की तख्लीक थी, जिन्हें दादा साहब पालके भी कहा जाता है। 1913 की दूसरी बॉलीवुड फिल्म मोहनी बास मुसोर भी दादा साहब पालके ने बनाई। 1913 में दादा साहब पालके ने चंद और फिल्में भी बनाई जो अमूमन डॉक्यूमेंट्री तर्ज की थी। इनमें इनकारसी वध, जो मटर के पौधे की काश्त पर बनाई गई थी, ये फिल्म उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से पहले बनाई थी और यही शार्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनके इंग्लैंड जाने का सबब बनी, जहाँ से आकर इन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। क्या 1913 में दादा साहब पालके की दीगर मुख्तसर फिल्मों में ड्रीमलैंड ऑफ गंजीत राव और पिताजी पंजे शामिल हैं। कल तक जिनके जीवन पथ में कदम पर बिछते थे हिंदी सिनेमा की शुरुआत 1913 में रिलीज होने वाली खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र से मानी जाती है। 1931 में हिंदुस्तान में गोयाई से मजयन पहली फिल्म आलम आरा, यानी अगर फिल्म में मुकालमे की बात की जाए तो इसका आगाज आलम आरा से हुई। तुम भूखे हो, अधिकार भी कर दे तुम्हारा। याचक को अन्न मिले और वह आशीर्वाद में बिना ही चला जाए। ये भी नहीं बात है। खुद भी नहीं प्रभु, कैसा हृदय है अपने मुकरदार दूसरे को देना। ये तो महादानी राजा हरिश्चंद्र की दास त्याग दे देने जैसा है।